close till I get up. Time is better. Hello everyone, welcome back to my channel Joe Magic Tarot. I hope you all are doing good. आज देखेंगे कि आपको इनके बारे में बहुत सारे साइंस क्यों मिलते हैं. हमेशा ये आपके दिमाग में क्यों चलते रहते हैं, ये पर्सन आपके दिमाग में क्यों चलते रहते हैं, और आपको इनके बारे में काफ़ी साइंस मिलते होंगे. एंजल नंबर्स आपको दिखने को मिलते होंगे, उनका नेम दिखने को मिलता होगा, उनके निकनेम्स दिखने को मिलते होंगे, काफ़ी साइंस आपको मिलते होंगे. ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, पिंक कलर. ठीक है, द फर्स्ट पाइल इज़ द पिंक वन, सेकेंड वन इज दिस स्टार. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लोरोसेंट. ठीक है, मेडिटेट कीजिए इन कार्ड्स पे. ठीक है, प्री शफल कार्ड्स हैं गाइस, दीज आर ऑल प्री शफल कार्ड्स. ठीक है, पहले से ही मैंने शफल कर रखा है, आधे घंटे तक बैठ के शफल किया है इनको. लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर वन. ओके गाइस, जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके दिमाग में क्यों चलते रहते हैं, आपको इतने साइंस क्यों मिलते हैं इनके बारे में. ठीक है, ये एक द फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्ट. ठीक है, सेकंड कार्ड द फूल. ठीक है, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओरेकल से पूछते हैं क्यों चलते रहते हैं आपके दिमाग में. ठीक है, पेशेंस, फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस. ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट. क्लैरिफायर्स हैं ये सारे. ठीक है, द आउटसाइडर. ठीक है गाइस, ओके, ओरेकल कार्ड हम लास्ट में लेंगे कि क्या रीजन है. ठीक, हाई प्रीस्ट द फर्स्ट कार्ड इज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हाई प्रीस्ट. इनको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ कि आप देख पाए. ठीक है, क्यों ये आपके दिमाग में चलते रहते हैं. ठीक है, हो सकता है कि आप मैरिड हो इनके साथ. ठीक है, फॉर फ्यू पीपल आप इनके साथ मैरिड हो. ठीक है, आपका इनके उससे डिवोर्स हो गया हो, या फॉर अदर वंस जो सिंग यू नो कोई रिलेशनशिप में होंगे, क्यों आपके लाइफ में क्यों चलते रहते हैं. ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके साथ काम करते हो, आप एक ऑफिस में काम करते हो, आप इनके अंडर में काम करते हो, आपकी जॉब हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या इस बंदे की गवर्नमेंट जॉब हो. ठीक है, ये ट्रेडिशनल मैरिज इनकी हो चुकी है. ये कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये आपके दिमाग में इसीलिए चलते रहते हैं क्योंकि ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है, ये एक्स हो सकते हैं आपके. ठीक है, दैट्स पॉसिबल. ठीक है, एंड फूल कार्ड, बेसिकली इनका जो रिलेशनशिप आपके साथ थोड़ा सा केयरलेस था, थोड़ा सा इनोसेंट रिलेशनशिप था, या अभी हो आप इस रिलेशनशिप में हो. ठीक है, तो देख रहे हो आप कैसे ये फूल की तरह जा रहे हैं. ठीक है, नंबर ज़ीरो है, इनका जो कार्ड नंबर है ज़ीरो. ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ लाइक दे डोंट केयर, वो रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, ऑल दीज थिंग्स कमंडर्स. ठीक है, आप थोड़े से शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्वीन ऑफ सोर्सेज, लाइक आप थोड़े से ब्लंट हो, आपके बीच में लड़ाई हुई होगी, ऊंची आवाज़ में बात हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, समथिंग ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है. ठीक है, विथ पेशेंस. ठीक है, ये बंदा शायद आपके साथ काफ़ी पेशेंट है, ये आपके साथ राइट नाउ ये पास्ट के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. इनका कोई पास्ट हो सकता है, अगर आप प्रेजेंटली इनके साथ रिलेशनशिप में या आना चाहते हैं, क्रशिंग ऑन कर रहे हैं, ये अभी पुरानी चीज़ों से निकले नहीं हैं, इनको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी डेफिनेटली. ठीक है, तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मैरिज देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आपका सनसाइन उनका सनसाइन हो सकता है.
ठीक है, एंड कोई भी सनसाइन हो सकता है वैसे देखा जाए तो, एंड दिस यू आर डेस्टाइन टू मीट दिस पर्सन एंड यू यू हैव टू, मतलब आपके साथ एक मैरिज देखते हैं, ठीक है, बट वो पुरानी हो सकता है, ये एक डिवोर्स ही हो, इनका एक ट्रेडिशनल मैरिज हुआ हो, वो डिवोर्स होने वाला हो, ऑन द वर्ज हो, और पुरानी चीज़ों के वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल सकते, हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत दिक्कतें हो, फैमिली जिनके साथ रहते हो वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते हो मनी के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस, ठीक है, ये एक आउटसाइडर हो सकते हैं, इन द सेंस कि आपके साथ नहीं रहते होंगे, काफ़ी दूर रहते होंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है, या फिर या ये सब हो सकता है, ठीक है, एंड एरीज उनका सनसाइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, ये कोई आपका एयर साइन हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, ओके गाइस, सो आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, फ्रेंडशिप, आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो शायद, ठीक है, फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी और फुलफिल योर ड्रीम्स, ठीक है, आप दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए वो आपके दिमाग में ऐसे चलते रहते हैं 24/7, और डेफिनेटली फ्रेंडशिप इज़ यू नो, फ्रेंडशिप का नेक्स्ट लेवल होता है लव, आप दोनों एक दूसरे से लव कर, व्हाट डिड आई से, कितना करेक्ट बोला है कार्ड ने, वेरी नाइस, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट, दिस पर्सन इज हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, ये अपने पास्ट रिलेशनशिप, डिवोर्स रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है उससे बाहर निकल रहे हैं, नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरी वन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू, ठीक है, आप इनको हील, आप एक हीलर हो सकते हैं, वो एक हीलर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, हीलिंग कर रहे हैं वो अपने पास के साथ, ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या देखते हैं क्या होने वाला है, वेट फॉर विंटर, हो सकता है कि आपको विंटर में मिले दोबारा से, आए आपके पास आपको बताएं, ठीक है, ये पास्ट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था उनका, ठीक है, विंटर तक वेट कीजिए, ठीक है, दिसंबर तक या नवंबर जब ठंड शुरू होती है उस टाइम ये आपको आएंगे, ठीक है, दे विल कॉन्टैक्ट यू इन विंटर दिसंबर, ये बता देती हूँ मैं आपको, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्ट फेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हायर गुड ऑफ ऑल, ठीक है, ये जो फेरी है ये आपको हेल्प करेंगी एक दूसरे के यूनियन में आने से, ठीक है, या हो सकता है दिस हाई प्रीस्ट इज मैरिड टू दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए ये जो बंदा है ये इस बंदी के साथ मैरिड है, ठीक है, और ये इस बंदी को छोड़ चुका है बिकॉज ऑफ देयर, आप देख रहे हो पिक्चर के पीछे कितना क्लाउडी और विंडी हो रखा है बैक साइड ऑफ द, इनका एक बेबी भी हो सकता है छोटा सा, ठीक है, दैट्स पॉसिबल, बैक ऑफ द पिक्चर इज लाइक वेरी विंडी वेरी क्लाउडी, बहुत हवाएं चल रही हैं, तो इनके साथ इनकी कभी बनी नहीं सकती बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी ब्लंट, दिस पर्सन इज वेरी वो आउटस्पोकन, दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक एक मदर भी हो सकती है, इनकी मदर की मदर के इन्फ्लुएंस में ये आपका ब्रेकअप हो चुका होगा इनके साथ, समथिंग लाइक दैट, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि इनका मैरिज हो चुका हो, इस मैरिज से निकल रहे हो इस पर्सन के साथ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक समबडी हु इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है वो, ठीक है, विंटर में आप एक दूसरे से मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट, वो फूल की तरह आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, सो इसीलिए वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, कॉन्टैक्ट डेफिनेटली दिसंबर में नवंबर में होएगा, अगर होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉमेंट करके जाइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू हिट द बेल बटन, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, ठीक है, लेट्स हेड्स अप टू पाइल नंबर 2, हाय वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये स्टार चूज़ किया था, ठीक है, आप दोनों पॉपुलर हो सकते हो सोशल मीडिया साइट्स पे या काफ़ी लोग आपको जानते हो, देखते हैं कि आपके दिमाग में क्यों चलते रहते हैं ये बंदा, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, ट्रैवल के टाइम आप दूसरे से मिले हो एक दूसरे से, द मैजिशियन, वेरी गुड, दिस पर्सन हैज़ मैनिफेस्टेड दिस रिलेशनशिप, इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है रिलेशनशिप, ठीक है गाइस, एंड आपके जो ओरेकल से पूछते हैं कि क्या है, क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी, क्यों ये दिमाग में चलते रहते हैं आपके, आई एम सो सॉरी कैमरा इधर हो गया, देखते हैं न्यू विजन, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ वो सोच रहे हैं, द मास्टर, ठीक है, थर्ड वन साइलेंस इन रिवर्स, ये मैं रिवर्स में ही लूँगी, ठीक है,
आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो गाइस। आपके एक्स हो सकते हैं, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा। समथिंग इज गोइंग ऑन, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा रात को रोते हैं आपको सोच के, बहुत रात में 3 बजे उठ जाते होंगे, 4 बजे 5 बजे, बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ठीक है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और विद द मजिशन कार्ड सारे सन साइन हो सकते हैं यहाँ पे। वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, सारे सन साइन हो सकते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक, ये बहुत रात को उठ के बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। न्यू तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, एंड विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक, दे वॉन्ट टू ट्रैवल, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, आप इनके दिमाग में 24/7 इसीलिए चलते रहते हो क्योंकि ये काफ़ी दूर भी रहते होंगे आपसे, काफ़ी दूर। ठीक है, ये मूव ऑन होना चाहते हैं, मूव इन करना चाहते हैं, इनका बेबी हो सकता है, आपका बेबी हो सकता है। डिफ़िकल्ट वाटर्स से काम वाटर्स की तरफ आना चाहते हैं या आपकी तरफ, एंड विद द मजिशियन कार्ड इन्होंने ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया होगा या आपने मैनिफेस्ट किया होगा मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, 4D में आके, कि आप इनके साथ एक यूनियन में आना चाहते हो। ठीक है, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, इतना मैं बता सकती हूँ विद द मजिशियन कार्ड एंड दिस जस्ट अ चैनल मैसेज। ठीक है, ये विल पावर की पावर से आपके साथ आना चाहते हैं। इन्फिनिट नॉलेज होगा इनके पास, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे। ठीक है, आप इनके हाथ में देख सकते हो एक स्क्रोल है, तो ये एक ऐसे इंसान है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ भी चलना चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वर्कर हो सकते हैं या कुछ भी, मतलब विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, भगवान जी, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू विजन, नए तरीके से आना चाहते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपने ब्लॉक कर दिया होगा, दे विल डेफिनेटली गोना कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, इसीलिए दिमाग में चलते रहते हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। द मास्टर, ये मास्टर होंगे किसी चीज़ में, किसी कोई स्किल्ड वर्कर होंगे, कुछ स्किल होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। साइलेंस, पहले ये साइलेंट होंगे, अगर ये कार्ड सीधे होता तो ये साइलेंट थे आपके साथ, आपसे बात नहीं कर रहे थे, बट ये रिवर्स में आए तो ये अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रेक देयर साइलेंस एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अब हम ओरेकल से पूछते हैं कि बेसिकली, ठीक है, क्या हो रहा है ओवरऑल, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आपका सनसाइन हो सकता है मैजिशियन के साथ, सारे सनसाइंस यहाँ पे हो सकते हैं, पाइल नंबर 2। ठीक है गाइस, आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी ये सारे सनसाइंस हैं। आपको, आप हो सके तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम एंजल से पूछते हैं कि क्या मैसेज है आपकी तरफ, उनके लिए, उनकी तरफ, आपके तरफ कौन से मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेजेस है। माई गुडनेस, आई कांट बिलीव दिस पर्सन वॉन्ट टू गिव यू अ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सेलिब्रेशन, आई एम जस्ट लविंग इट, पाइल नंबर 2, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। प्योर इंटेंशन, वो आपकी तरफ इस बार प्योर इंटेंशन से आना चाहते हैं। लास्ट, आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू द डिनर एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे, हो सकता है कि आपको ये इन्वाइट करे किसी पार्टी में, आप बर्थडे पार्टी या किसी भी फ्रेंड के साथ, कॉमन फ्रेंड्स होंगे आपके बहुत ज़्यादा, उनसे आप मिले आप दोनों, ठीक है, उनके थ्रू, तो ये आपको सरप्राइज़ दें, या मैरिज का कार्ड भी है यहाँ पे, तो मैरिज भी ऑफर कर सकते हैं ये आपको, अब जब आएंगे। ठीक है, 6 मंथ्स में वो आपकी तरफ आ सकते हैं, 9 मंथ्स में आपकी तरफ आ सकते हैं, 9 वीक्स, 6 वीक्स, देख लीजिएगा गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है। प्योर इंटेंशन, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप वेट कर सकते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो भी वेट कर सकते हो। ओके, प्योर इंटेंशन से आना चाहते हैं, हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही, जैसे साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये दिमाग में इसीलिए चलते रहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट, दिस पर्सन कैन, आप ट्रैवल के टाइम में एक दूसरे से मिले हों, आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे एज पॉसिबल। ठीक है, दोनों मैरिड हो सकते हो, बेबी हो सकता है आपका। ठीक है,
एंड ट्रैवलिंग के टाइम में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हो, ट्रैवल की जॉब हो सकती है आपकी, वो प्योर इंटेंशन से आपकी तरफ आना चाहता है। द फेयरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर्स विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक, फेयरी ये बताना चाहती है वो प्योर इंटेंशन से इस बार आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे विल कॉन्टैक्ट यू, आस्क फॉर द हेल्प। एंजल्स आर सेलेस्टियल बींग हु प्रोटेक्ट एवरी वन एंड द फेयरी सेज नाउ इज द टाइम यू टू आस्क फॉर एंजलिक असिस्टेंट। आपको एंजल नंबर अगर दिखते हो, अगर आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखते हैं, तो वो एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं ये बताने के लिए कि ये आपके दिमाग में इसीलिए रहते हैं। आपको ये सब साइंस इसीलिए दिखा रही है एंजल्स, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत जल्दी रशन करके आएंगे। ओके गाइस, हो सकता है कि आप मैरिज के टाइम में मिले हों एक दूसरे से, सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे जो है, या किसी फंक्शन में गए हों तब मिले हों। दिस पर्सन, आपका मैरिज हो सकता है, आपका बेबी हो सकता है इनके साथ, या इनका मैरिज हो सकता है, इनका बेबी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट फॉर फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे 6 वीक्स, 9 वीक्स या 6 मंथ्स और 9 मंथ्स में। ठीक है, आप देख लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो तो लाइक कीजिए, तो कमेंट कीजिए, तो शेयर कीजिए, तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, लेट्स मूव अहेड टू पाइल नंबर 3। हाय गाइस, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये स्टोन चूज किया था, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके गाइस, सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, और ओरेकल से आपके पास फ्रेंडलीनेस है, फाइटिंग इन रिवर्स एंड कॉम्प्रोमाइज इन रिवर्स। ठीक है, सो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये एक प्रेजेंटली एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। फॉर सिंगल्स जो क्रशिंग ऑन कर रहे हैं, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिज हो सकता है, या आप एक सेलिब्रेशन के थ्रू एक दूसरे से मिले हो, या किसी बर्थडे पार्टी में, या किसी भी फंक्शन में आप मिले हो, शादी में, बट आप एक दूसरे को जानते हो, आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये येलो कलर बहुत ज़्यादा है, फायर साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हो विद द फ्रेंडलीनेस कार्ड। आप दोनों बहुत जन्मों से एक दूसरे को जानते हो, काफ़ी टाइम हर री इंकारनेशन में आपका साथ मिलन होता है। ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल दिस पर्सन कैन बी वेरी लग्जूरियस, लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। काफ़ी अच्छी जॉब होगी, कहीं पे भी अच्छे जगह पे रहते होंगे। आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज इसीलिए दिखते हैं क्योंकि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो इनके साथ, और ये फाइनेंशियली काफ़ी एबुंडेंट है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, काफ़ी पैशनेट है। येलो कलर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो बहुत पैशनेट आपकी तरफ फील करते हैं। विद द 3 ऑफ कप दिस पर्सन कैन बी मैरिड एंड गोइंग थ्रू अ लीगल बैटल विद द फाइटिंग इन रिवर्स, और दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लीगल बैटल, उनका कंप्लीशन हो चुका है इनके साथ। ठीक है, दैट्स पॉसिबल। दिस इज अ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सेलिब्रेशन पार्टी के थ्रू एक दूसरे से मिले होंगे, या वो आपके साथ सेलिब्रेट एंड पार्टी करना चाहते हैं। ठीक है, विद द 9 ऑफ कप्स इट इज लाइक आपकी विश फुलफिलमेंट, उनकी विश फुलफिलमेंट, आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया होगा इस रिलेशनशिप को, भगवान से प्रे किया होगा कि वो आपको मिल जाए, या आप उनके लिए मांग रहे होंगे कि वो आपको मिल जाए। राइट, एंड डेफिनेटली साइंस आप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ठीक है, दिस पर्सन पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने थर्ड पार्टी के साथ, दे वेर कॉम्प्रोमाइजिंग विद दिस पर्सन, बट दे स्टॉप फाइटिंग विद दिस पर्सन। इनकी जो भी लीगल बैटल्स है इनके साथ ख़त्म हो चुका है, ये अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। 9 वीक्स में आ सकते हैं, 3 वीक्स में, 9 वो दो बार है तो 9 वीक्स, 9 मंथ्स में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2 इज़ प्रोमिनेंट हियर, आपका बर्थ डेट, उनका बर्थ डेट 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। आपके बर्थडे में 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर आ सकता है। ठीक है, वो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी के साथ, बट आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई एम रियली रियली सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ वो एबुंडेंट फुलफिल फील करते हैं विद दिस कार्ड, एंड गुड हेल्थ फील करते हैं। आपकी जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी उनको फुलफिलिंग लगता है। ठीक है, सो लेट्स हेड्स अप विद योर एंजल मैसेजेस। ठीक है, एंजल मैसेजेस से पूछते हैं कि एंजल से पूछते हैं क्या मैसेजेस हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ये बताता है कि आप अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, प्रे करें भगवान जी से। ठीक है,
एस्ट्रल प्लेन में आप दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे, किस करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे, पार्टी करते होंगे, बातें करते होंगे, रोमांटिक होते होंगे। एस्ट्रल प्लेन में आप एक दूसरे से मिल सकते हो। ये एक ऐसी जगह है, 5D का वर्ल्ड है, जहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड होता है, वहाँ पे आप एक दूसरे से मिल सकते हो, बातें करते हो, अपने ड्रीम्स में एक दूसरे से 4D में बात करते हो, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो। और दीज थिंग्स कम अंडर हियर, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। ठीक है, आपके जो ड्रीम्स है वो सब अपने पास रखिएगा, ठीक है, और उनको मैजिकल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाई मैजिकल फेरी ब्लेसिंग, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, जैसे कि आप सेकेंड कार्ड में देख सकते हो। और यहाँ पे भी तीन लोग हैं, और आप उस कार्ड के बिल्कुल नीचे 3 of Cups है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मैजिक होगा, ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी तरफ, ये सारे फेरीज आपको ब्लेस करेंगे। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मून एनर्जी, ठीक है, सरेंडर टू नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy come to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. ठीक है, ये fairy आके definitely आपको आके आपके emotions, आप जो रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सब खत्म करेंगे। ठीक है, and आपको peace of mind मिलेगा। So जो भी मतलब ये साइंस एंड सिंक्रेनिसिटीज आपको दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, इसीलिए साइंस दिख रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप दोनों का यूनियन होगा, थर्ड पार्टी इज आउट ऑफ द पिक्चर एंड कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे किसी के साथ भी। ठीक है, जो उनको परेशान कर रहे थे, उनको उनको पागल बना रहे थे, उनका जीना हराम कर रहे थे। ठीक है, सो एक और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। इंस्पिरेशन, आप एक इंस्पिरेशन, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप इंस्पायर करते हो काफ़ी लोगों को, वो इंस्पायर करते हो, यूट्यूबियन हो सकते हो, टिकटॉक पे हो सकते हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी फेमस हो सकते हो। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। ठीक है, दिस पर्सन विल अलाउ योर यूनियन, दिस एंजल विल हेल्प यू टू यू नो इंस्पायर अदर पीपल। हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हो, आप काफ़ी लोगों को हेल्प करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो पाइल नंबर 3 इज़ वेरी गुड, इससे ये जो पाइल नंबर है, पाइल नंबर 2 से काफ़ी रेजिनेट करता है, आप वो भी चेक कीजिएगा। हो सका तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। साइंस एंड सिंक्रेनिसिटीज आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। प्लीज़ हेड्स अप अ थम्स अप ऑन माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय गाइस, सी यू।